उनके लिए हक के लिए अधिकार के लिए तकलीफों से गन्ना पानी जोड़ना तरकारी पेरना अनाज ये करना उनका हक हमारे मार्केट रेट में वो तो हमारे हक तक नहीं मिल रहा, इससे हम परेशान हैं। आज हम पूरे किसान भाई लोगों की अगर बात नहीं मानी गवर्नमेंट हमारी बात पे ये नहीं करी तो मैं किसान भाइयों के साथ हड़ताल करूंगा। मैं एक किसान का बेटा अब्दुल रजाक, मेरे वालिद साहब भी जमींदार, मैं किसान, मेरे वालिद साहब किसान, हम सब मिलके किसान भाई हिंदुस्तान और कर्नाटक में जो परेशान है हर पीस से हम फसलों से पानिया से हर चीज़ का हमारी गवर्नमेंट हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमको ज़्यादा कुछ चीज़ों का प्रॉफिट हमको स्कीम नहीं बता रही जिससे हम परेशान हैं। वो स्कीमों के लिए वो कामों के लिए मैं गवर्नमेंट के लिए मेरे भाइयों को लग के हड़ताल करने के लिए मैं बैठने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ मैं कि क्या होती है इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत लोग करोड़ों कमा रहे हैं और हमारा हक हम तक नहीं पहुँचा रहे, हम जो मेहनत कर रहे हैं ये वजह से। और मैं अपनी दिल की बात जनता तक रखना चाह रहा हूँ कि मेरे दिल में है आप लोगों के लिए मैं ठहरूंगा, आपकी हर बात को महसूस कर रहा हूँ, तकलीफों से ज़िंदगी जी रहे हैं उसको मैं अमल करूंगा। मैं अगर आपका हक नहीं दिला सका, आपकी बात नहीं कर सका तो मैं गवर्नमेंट से अगर आप लोगों को मेहनत करके जिता के भी लेंगे अगर मैं नहीं कर सका तो उसको रीज़न दे दूंगा, तो सामने वाले को रीज़न पूछूंगा कि भाई हमारा काम क्यों नहीं कर रहे आप। मेरी ये उम्मीद है मेरे को सब भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी दुनिया में हिंदुस्तान में कर्नाटक में महाराष्ट्र में सारे किसान भाइयों के लिए मैं ये मुद्दा और आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ किसान भाई के लिए हक के लिए अधिकार के लिए।